शेर की बलि दी, कभी किसी मंदिर में घोड़े की बलि दी, अश्वम नहीं हुआ, व्याघ्रम नहीं हुआ, गजम नहीं हुआ, नहीं बचा, इसकी बलि मत दो। तो देवताओं से पूछा किसकी बलि दें, बकरा ठीक है? बोले ठीक है, क्योंकि बकरा की अम्मा कब तक खेर मनाएगी। इच्छा आपकी है क्या बनते हैं, देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है, शक्तिवान का होता है जमाना सदा से यारों, कमजोर की किसने आरती उतारी है। और राम कृष्ण शिव हनुमान हो या और कोई, देवी देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं, और इसीलिए शस्त्रधारी माता दुर्गा की भांति भारत माता भी परमाणु बम धारी है। भारत माता भी परमाणु बम धारी, भारत माता भी परम। लेकिन एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मेरी कविताएं जब बात चल रही थी कई सारी, हर जगह पंगे होते हैं, अच्छा हुआ आज कम टाइम मिला मुझे तो कम पंगा होगा। पिछले दिन जो अमेरिका गया मैंने कविता पढ़ी सौरभ भाई जी, तो मेरे साथ जितने मित्र गए थे उनने एक ही बात की, अगली जगह मत पढ़ देना। मैंने कहा क्यों मत पढ़ना, उस समय ट्विन टावर टूटा भारत से, मैं कविता पढ़ने के लिए 2001-2 की बात है। बोले पढ़ मत देना। मैंने कहा क्यों? बोले गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। मैंने कहा अभी तक तो गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी में पढ़ रहा हूँ, अब ट्रांसलेट भी करूंगा। और जो कविता मैंने अमेरिका में ट्रांसलेट की थी कि जब हम चीखे बार बार, अगर तुमने ध्यान दिया होता, ट्विन टावर क्यों टूटा, जब हम चीखे बार बार, अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप पाप को जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता, तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमरीका यूं लहू लुहान नहीं होता। वाह वाह भाई दादा, कविता क्या होगी, ताली ना बजाएं, समय कम है। एक बात कहूंगा, आप यहां जिंदा बैठे हैं इस होली पर, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा वीर हैं, आप जिंदा बैठकर इन कविता पे ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि आपने बहुत पुण्य किए हैं। आप यहां इसलिए नहीं बैठे, बहुत दानी हैं इसलिए यहां जिंदे नहीं बैठे हैं कि बहुत बड़े महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप यहां जिंदा इसलिए बैठे हैं कि जिस दिन बंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ था, ट्रेन में, उस दिन आप ट्रेन में नहीं बैठे थे, इसलिए यहां जिंदा बैठे हैं। जिस दिन ताली नहीं, वाह ताली नहीं, जिस दिन संकट मोचन पर आरती हो रही थी, उस दिन थाली लेकर आप आरती में नहीं खड़े थे, इसलिए आप जिंदा बैठे हैं। जिस दिन दिवाली पर ट्रांजिस्टर बम कांड हुए, उस समय आप नहीं थे, इसलिए जिंदा बैठे हैं। जिस दिन टाटा का और ओबेरा होटल में बम फटे, उस दिन आप वहां नहीं थे, इसलिए जिंदा बचे हैं। लेकिन कब तक बच जाएंगे? क्या बात है भाई, प्रश्न है। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार। फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, फैल रहा है जहां में। अब बार बार कविता पढ़ते लोग बोलते हैं ऐसी कविता पढ़ो जिससे भाईचारा आए। मैं इनकी भाईचारा आएगा कहां से, भाई तो दुबई में, चारा लालू प्रसाद के पेट में, तो ना भाई ना चारा, कहां से आएगा भाईचारा। भाईचारा रहने का एकमात्र तरीका है भाई से बड़े भाई बन जाओ। कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार। फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार। चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू। पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख। जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापी, क्योंकि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है। क्या बात है यार, सब व्यापारी बैठे हैं, आपसे एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं व्यापारियों से। इस बंबई में, पूरी बंबई को जिसने धेला दिया, आज तक जिसके नाम से हफ्ता देते हो, मारवाड़ी महाराणा प्रताप के वंशज हफ्ता देते हो, अभी वो दाऊद कौन था? एक हवलदार का बेटा था, गुंडा था, गली चौराहे का, किसी व्यापारी को, आप जैसे व्यापारी को पकड़कर छोरा सा चाकू दिखाया, पैसे लिए, उस पैसे से रिवाल्वर खरीद कर लाया, रिवाल्वर फिर किसी बड़े व्यापारी को दिखाई, उससे बड़े बंदूक खरीद कर लाया, फिर आप ही व्यापारी से पैसा लेकर कहीं ना कहीं छोटे मोटे बम खरीद कर लाया, और आप ही से पैसा लेकर इतना बड़ा दादा बन गया। जिस दिन पहले दिन चाकू निकाल कर आया था, उसी दिन किसी ने दो झापट सल्टा दिए होते, तो आज ना दाऊद होता ना लादेन होता। भाई वाह भाई साहब, वाह 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 बाबा जी, कि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है। ये मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, बाहर की बात करने के लिए बहुत मेरे पास मंच है,
क्योंकि जब मैं कार्यक्रम करता हूँ तो मैं कवि सम्मेलन पहले बहुत करता था। सौरभ भाई पूछा था, बाबा जी कवि सम्मेलन क्यों छोड़ दिए? मैं इनकी यहाँ तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। जो कार्यक्रम करता हूँ 3 घंटे का, जिसके लिए दिलीप भाई रमेश जी वड़ाला ने बोला बाबा जी ये कार्यक्रम करना है, तो पहले उनने की बाबा जी रेट, मैं इनकी पहले चिंता करो डेट है कि नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। डेट के लिए नहीं, इनके साथ मेरी इच्छा हुई थी, बहुत कहा उनको चिंता थी, बार बार पूछे थे डेट पे आ जाओगे, जब मैं तैयार नहीं हुआ तो अंत में बताया मैं एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जितने मारवाड़ी आने वाले हैं, यहाँ जितने मेवाड़ के लोग आने वाले हैं, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है तालियां बजाइए कैंसर पेशेंट के लिए बना हुआ शिव कल्याण केंद्र, ये तमाम टीम उनसे जुड़ी हुई है। मैंने कि अगर ऐसी बात करते तो मैं आता हूँ और जो रेट दोगे वो भी यहीं देके चला जाऊँगा। पर सुनो यार, इतना कमजोर मत समझना, जितना मैं दूंगा उतना आप लोगों को भी देना पड़ेगा। बजाइए तालियां यार। मैं तो एक बात हमेशा कहूं, इसलिए अब थोड़ा तालियां कम बजाइए क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। पहले ही बता रहा बाबा जी का समय आएगा, अब क्या खाक समय आएगा। कि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, एक एक करके मारे जाते हैं लोग क्योंकि, एक एक करके मारे जाते हैं लोग क्योंकि, एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है, एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है। अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा, औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा, कल घाट मौत के वो भी उतारा जाएगा। ये दिल्ली में कांड इसलिए सुरक्षित बैठ रहे हो, आप चांदपुरा बस्ती में नहीं थे। और लोग पूछते आतंकवादी क्यों बड़ा होता है, आतंकवादी में कोई दम नहीं होती है, लेकिन जब आतंकवादी क्यों बड़ा होता है, जब आतंकवादी के साथ हमारा गद्दार मीडिया और कोई बिका हुआ जज खड़ा होता है, तब जाके आतंकवादी बड़ा होता है। भाई वाह, जिंदाबाद। शाहीन बाग बंबई में भी निकल कर आया, हमारे साथ आया माननीय संजय लोढ़ा जी, मुझे दिखा रहे थे यहाँ पे भी शाहीन बाग बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है, हम कहते हैं घुसपैठी बाहर जाओ, और ये तमाम नेता भाई साहब बुरा मत मानना, तमाम नेता बोल रहे घुसपैठी जाना नहीं, कि घुसपैठी जाना नहीं। कौन बोल रहे हैं समझ गए ना, कि घुसपैठी जाना नहीं, देश छोड़ के दिल तोड़ के, घुसपैठी मेरे यारा वोटों का सहारा। अच्छा और क्या काम है घुसपैठी से, घुसपैठी मेरे यारा वोटों का सहारा, और तुम्हें छोड़ना हमें कैसे होगा वारा, घुसपैठी जाना। अच्छा फिर देखो बात सुनो, सब तरह के रस की बात चल रही थी, मोनिका जी थी, श्रृंगार की बात करी, उनने कहा श्रृंगार करके आए, सभी लोग आए, अपन नहीं आए। श्रृंगार की जरूरत उनको होती जो अपने आप को कम सुंदर समझते हैं। क्या बात है, तालियां बजाओ यार, मैं तो अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर मानता हूँ, मेरे को मेकअप की क्या जरूरत रहे भाई दादा, वाह 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 वाह। लेकिन जैसी श्रृंगार की कविता मैं भी लिखता हूँ, मैंने नेताओं की तरफ से घुसपैठी रोहिंग्या कैसे होते हैं आपको काम नहीं पड़ेगा, मेरे साथ कभी असम चलिए, कभी बंगाल चलिए, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चलिए, वहां मालूम पड़ेगा घुसपैठी कैसे होते हैं। तो देखना आपके सामने घुसपैठी का चरित्र चित्रण, कि कटियल दाढ़ी लगती बड़ी सुहावन है, कि कटियल दाढ़ी लगती बड़ी सुहावन है, और फटियल लुंगी रूप बड़ा मन भावन है, और तुम बिन ये से क्यूलर बगिया सुनी है, और तुम हो तो 12 महीने सावन है, और घुसपैठी मेरे यारा वापस न जाना, और चाहे तो रिश्तेदारों को भी ले आना, घुसपैठी।